Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavikar. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. Aaj I will discuss the topic res judicata, which is a topic under the subject Code of Civil Procedure. CPC ka ek topic hai aapka, ye res judicata section 11 mein aata hai. This is very important topic और आपसे जो है इसके बारे में नॉर्मली किसी भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो जुडिशरी का एग्ज़ाम हो या आपके एलएलबी के एग्ज़ाम हो या नेट के एग्ज़ाम हो, उसमें जनरली ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है. तो फर्स्ट आई विल टेल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस जुडिकाटा. देखिए, रेस जुडिकाटा दो वर्ड से मिलकर बना है. एक वर्ड है आपका रेस, दूसरा है आपका जुडिकाटा. रेस का मतलब होता है कोई मैटर या कोई क्वेश्चन या कोई चीज. ठीक है, रेस का क्या मतलब हुआ? कोई थिंग, कोई मैटर या क्वेश्चन. ज्यूडिकेटा का मतलब होता है जो चीज़ जो है आपकी जज हो चुकी है, जो एडजुडिकेटेड हो चुकी है. तो जब हम दोनों को मिला के पढ़ते हैं तो इसका मतलब है अगर कोई मैटर, कोई क्वेश्चन जो ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है तो उसको बोलते हैं रेस जुडिकाटा. तो रेस जुडिकाटा का मीनिंग होता है, एक्चुअली ये किस लिए है, ये आपके लिटिगेशन से आपको बचाने के लिए यूज़ करता है. कि अगर दो सूट हैं, दो केस हैं और एक केस में जो है डिसीशन हो चुका है किसी पर्टिकुलर इशू पे, तो उसी इशू पे आप दोबारे से जो केस है उसमें वो इशू नहीं उठा सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी उस पर जो है कॉम्पिटेंट कोर्ट ने फाइनल जजमेंट दे दिया है. तो इससे क्या होता है कि एक ही इशू को आप बार बार लिटिगेट नहीं करते हो. तो इसका मेन पर्पस है कि आप लिटिगेशन को जो है एंड करना चाहते हैं. तो रेस जुडिकाटा क्या हुआ कि अगर जो आपके मैटर इन इशू हैं अगर वो एक सूट में ऑलरेडी डिसाइड हो चुके हैं तो दूसरे बार आप उनको उन्हीं इशू पे जो है दूसरा केस जो है आप उसमें अलाउ नहीं किया जाएगा, जिससे कि लिटिगेशन का एंड हो जाए. इसी केस में एक हुआ था आपका बड़ा अच्छा केस, बेगम सुरैया राशिद वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी. कौन सा केस था ये? बेगम सुरैया राशिद वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी. इसमें जो पहला केस था उसमें एक पर्टिकुलर लैंड के ऊपर डिस्प्यूट था दोनों पार्टी में. उसके बाद वो जो लैंड के ऊपर केस था वो डिसाइड हो गया. अब उन्हीं दोनों पार्टी में फिर दोबारे से एक केस हुआ, लेकिन अब वो दूसरी लैंड के ऊपर था. तो पूछा गया कि क्या यहाँ पे रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा या नहीं होगा. तो यहाँ पे पार्टी भले ही सेम थी, लेकिन यहाँ पे जो सब्जेक्ट मैटर था, जो आपका लैंड के ऊपर डिस्प्यूट था, वो अलग अलग था. पहले सूट में अलग लैंड थी और दूसरे सूट में अलग लैंड थी. तो यहाँ पे भले ही पार्टी सेम हो, लेकिन आपके जो सब्जेक्ट मैटर था वो अलग अलग था, तो माना जाएगा यहाँ पे रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगा. ये चीज़ क्लियर हो गई आपकी. अब आपका आता है कि रेस जुडिकाटा की ऑब्जेक्ट क्या क्या होते हैं. देखिए, इसके तीन मेन ऑब्जेक्ट हैं. सबसे पहला है आपका एंड ऑफ लिटिगेशन. देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. फॉर एग्जांपल, किसी भी चीज़ के ऊपर ए और बी के बीच में कोई सूट चलता है, उसमें ए जीत जाता है और बी हार जाता है. अब बी जो है दोबारे से उसी चीज़ पे दोबारे से केस फाइल करता है. अब की बार एक कोर्ट बी जीत जाता है और ए हार जाता है, उल्टा हो जाता है. तो इस तरीके से हम देखेंगे तो हमें तो कन्फ्यूज़न ही हो जाएगा कि हम कौन से कोर्ट का डिसीजन मांगे. पहले कोर्ट ने ए को जिता दिया, दूसरे कोर्ट ने बी को जिता दिया, तो अब कोर्ट का कौन सा डिसीजन माना जाए? फिर तो जब बी जीत गया तो ए दोबारे से एक केस कर देगा. तो इस तरह से लिटिगेशन का कभी एंड ही नहीं होगा. तो इसीलिए रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल लाया गया है कि अगर ए की केस ए और बी के बारे में ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, तो दोबारे से अगर उसी इशू पे केस को फाइल किया जाता है तो उस पर स्टे मिल जाएगा, उस पर जो है दोबारे से डिसीशन कोर्ट नहीं देगा. तो ये लिटिगेशन को एंड करने के लिए होता है. नेक्स्ट है आपका प्रोटेक्शन अंगेंस्ट डबल जियोपार्डी. डबल जियोपार्डी क्या होती है?
कि एक ही क्राइम के लिए आप एक ही व्यक्ति को दो बार सजा नहीं दे सकते। तो अगर हम रेज्यू डिकाटा का प्रिंसिपल को अप्लाई नहीं करेंगे तो ए और बी के बीच में कोई केस हुआ, ए जीत गया और बी हार गया, फिर दोबारे ने जो है ए ने फिर दोबारे से केस दाखिल कर दिया, तो अब की बार फिर बी हार गया, तो दूसरे कोर्ट ने जो है उसको और दूसरी टाइप की सजा सुना दी। तो एक ही क्राइम के लिए बी को दो अलग अलग कोर्ट से दो अलग अलग सजा मिल गई। तो यहाँ पे डबल जियोपार्डी को बचाने के लिए कि एक ही व्यक्ति को एक ही क्राइम के लिए दो बार सजा नहीं मिलती, रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल अप्लाई होता है। नेक्स्ट है, डिसीजन ऑफ कोर्ट मस्ट बी एक्सेप्टेड एज करेक्ट एंड फाइनल। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट ऑफ रेस जुडिकाटा। देखिए, अगर किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया और हम उससे सेटिस्फाई नहीं है, तो हम उसकी अपील तो कर सकते हैं, लेकिन अगर हम दूसरे कोर्ट में फिर उसके अंगेंस्ट केस डाल देते हैं, पार्टी के अंगेंस्ट सेम इशू पे, तो वो तो गलत हो जाएगा। इसका क्या इम्प्लाइड मीनिंग निकलता है कि हम कोर्ट के डिसीजन को मान ही नहीं रहे हैं, तो फिर कोर्ट की कोई वैल्यू ही नहीं रह जाती। तो इसीलिए अगर कोई कोर्ट ने डिसीजन दिया है तो वो करेक्ट एंड फाइनल माना जाना चाहिए, और उसी तरह के कोर्ट में दोबारे से उसी तरह का केस जो है डिसाइड नहीं होना चाहिए। तो ये थे आपके रेस जुडिकाटा के ऑब्जेक्ट। अब मैं आपको बताऊंगी कि रेस जुडिकाटा प्रिंसिपल अप्लाई करने के लिए कौन कौन से एसेंशियल होने चाहिए। देखिए, बहुत आराम से पढ़िए, आप आराम से इसको वीडियो को सुनिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि ये जो कंडीशन बताई गई है अगर ये पूरी होती है तभी रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं। देखिए, सबसे पहली कंडीशन है कि दो सूट होने चाहिए, एक को हम फॉर्मल सूट कहते हैं और दूसरे को सब्सिक्वेंट सूट कहते हैं। अब सूट को सीपीसी में एज सच कहीं डिफाइन नहीं किया गया है। सूट का एक ऑर्डिनरी मीनिंग होता है कि जब प्लेंटिफ प्लेंट को कोर्ट में दाखिल करता है और उसके बेसिस पे कोई भी प्रोसीडिंग्स स्टार्ट हो जाती है तो उसे हम मानते हैं सूट। अब रेस जुडिकाटा के लिए दो सूट होने चाहिए, तो दो सूट में हम फॉर्मल किसे कहेंगे और सब्सिक्वेंट किसे कहेंगे। मैं एक आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि एक केस आपका 2012 में हुआ स्टार्ट, दूसरा केस आपका 2013 में स्टार्ट हुआ। तो एक आपका 12 में स्टार्ट हुआ, एक आपका 13 में स्टार्ट हुआ, लेकिन डिसीजन पहले किस केस का आया, जिसको आपने बाद में इंस्टीट्यूट किया था, इट मीन्स 2013 का डिसीजन पहले आ गया। तो जिसका डिसीजन पहले आ जाता है उसे हम फॉर्मल सूट कहते हैं और दूसरे वाले सूट को हम सब्सिक्वेंट सूट कहते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि इसमें डेट ऑफ लिटिगेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, इसमें इम्पॉर्टेंट क्या होता है, डेट ऑफ डिसीजन। तो जिस सूट का डिसीजन पहले आएगा उसे आप फॉर्मल सूट बोलेंगे और जिसका डिसीजन बाद में आता है तो उसे आप सब्सिक्वेंट सूट बोलेंगे। इसी तरह का व्यू जो था आपको इस लीडिंग केस में दिया गया था, वेंकटेश्वरा प्रभु वर्सेस कृष्णा प्रभु के केस में। अब नेक्स्ट आता है सेम पार्टीज। देखिए, रेस जुडिकाटा प्रिंसिपल को अप्लाई करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि जो दो सूट है हमारे, एक फॉर्मल और एक सब्सिक्वेंट, इनकी पार्टीज भी सेम होनी चाहिए। ये किस प्रिंसिपल पे बेस करता है, आपको पता है कि कोर्ट कोई भी जजमेंट देता है, कोई भी डिक्री पास करता है, वो किस पे एप्लीकेबल होती है, ऑब्वियसली पार्टी टू द सूट को होती है। तो फॉर्मल सूट में अगर दो पार्टी है हमारी और उन्हीं पे वो डिक्री जो है बाइंडिंग होगी, तो सब्सिक्वेंट सूट में भी वही सेम पार्टीज होनी चाहिए, तभी आपका रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल अप्लाई होता है। तो पार्टीज क्या होती हैं, जिनके नाम जो है केस के रिकॉर्ड में आते हैं। अगर रिकॉर्ड में कोई नाम जो है फ्रॉडली एंटर किया गया है तो वो पार्टी पार्टी नहीं मानी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हमने किसी माइनर को बिना उसके गार्जियन के रिप्रेजेंटेशन के बिना एक केस में पार्टी बना दिया गया है, तो माइनर को पता है आपको वो कॉन्टेक्ट करने के लिए एलिजिबल नहीं होते, तो माइनर को आप पार्टीज नहीं मानेंगे। तो ये था कि आपकी सेम पार्टीज होनी चाहिए। लेकिन सेम पार्टी में क्या होता है, अगर जो आपका प्लेंटिफ है या डिफेंडेंट है,
अगर उसके अंदर कोई उन्हीं पार्टी के थ्रू क्लेम कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल ए और बी के बीच में किसी प्रॉपर्टी को लेके केस चला, अब वो केस जो था बी के फेवर में डिसाइड हो गया, अब ए की डेथ हो जाती है, अब ए का जो लीगली उत्तराधिकारी होता है सी, वो दोबारे से जो है बी के अंगेंस्ट केस करता है उस प्रॉपर्टी को वापस लेने के लिए। तो यहाँ पे माना जाएगा कि ये रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल अप्लाई होगा, क्योंकि जो लीगल आपका उत्तराधिकारी है जो सी है, एक्चुअली ही इज क्लेमिंग अंडर ए। तो जो पार्टीज होती हैं आपकी ऑन रिकॉर्ड और उनके अंडर जो आते हैं, जो उन्हीं के थ्रू क्लेम करते हैं, जैसे लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो गए या आपके उत्तराधिकारी हो गए, तो वो भी सेम पार्टीज में ही आएंगे। नेक्स्ट है आपका सेम टाइटल। सेम टाइटल का मतलब है कि आपका जो वो है कैपेसिटी, वो भी जो है आपकी जो है सेम नहीं, सेम होनी चाहिए। अगर सेम आपकी कैपेसिटी नहीं है तो फिर वो जो है आपका जो है रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल जो है अप्लाई नहीं होगा। अब नेक्स्ट आता है आपका कॉम्पिटेंट कोर्ट। देखिए, जो भी कोर्ट होता है जिसने भी फॉर्मर सूट को डिसाइड किया है, वो आपका कॉम्पिटेंट कोर्ट होना चाहिए। ये आपका जो कॉम्पिटेंट कोर्ट होना चाहिए, ये वर्जन आपका डिसाइड किया गया था चंद्र भाई के बौर वर्सेस कृष्णा अर्जुन के केस में। इस केस में बताया गया था कि अगर किसी कोर्ट ने फॉर्मर सूट को डिसाइड किया, लेकिन वो जो फॉर्मर सूट डिसाइड हुआ था, वो कोर्ट उस केस को ट्राई करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं था, तो माना जाएगा कि ऐसे केस में हम रेस जुडिकाटा को अप्लाई नहीं करेंगे। जो सब्सिक्वेंट सूट है वो जो है हम उसको इजाज़त देंगे कि वो सूट को फाइल कर सकता है और उस पर दूसरा कोर्ट डिसीशन दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे रेस जुडिकाटा का जो प्रिंसिपल है वो अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि फॉर्मर सूट जो था वो कॉम्पिटेंट कोर्ट के थ्रू जो है डिसाइड नहीं हुआ था। नेक्स्ट है और आपका लास्ट पॉइंट है हियर्ड एंड फाइनली डिसाइड। इसका मतलब है कि फॉर्मर सूट में जो मैटर इन इशू हमने रेज किए थे, वो उन्होंने फाइनली जो है उन पे अपना डिसीशन दे दिया है, पूरी उसकी सुनवाई हुई है और फाइनली उन्होंने उस पे डिसाइड कर दिया है। अगर वो अभी पेंडिंग ही है तो फिर रेस जुडिकाटा नहीं चलेगा। इट मीन्स फाइनली वो डिसाइड हो जानी चाहिए, उनके अगेंस्ट जजमेंट या डिक्री पास हो जानी चाहिए। अब ये जो आपका लास्ट पॉइंट है फिफ्थ, कि फिर आपका एक और पॉइंट आता है इसमें, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट, सिक्स पॉइंट, जो आपके फिफ्थ पॉइंट था, जो ये कह रहा था कि हियर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड, तो क्या चीज़ फाइनली डिसाइड होना चाहिए वो बताता है आपका सिक्स पॉइंट, कि जो भी मैटर आपके डायरेक्टली या सब्सटेंशियली इन इशू हैं, उन्हीं मैटर को जो है हियर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड होना चाहिए। तो ये जो डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू है, तो एक तरीके से क्या हो गया, ये मैटर इन इशू है। तो मैटर इन इशू को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू, और दूसरा आता है आपका मैटर कोलैटरली और इंसिडेंटली इन इशू। देखिए, मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू किन्हें कहते हैं, कि अगर एक सूट चला है और उसमें प्लेंटिफ किसी चीज़ को एलिगेट करता है और डिफेंडेंट या तो उसे एडमिट कर लेता है या डिनाई करता है एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली, तो जो आपके मैटर एलिगेशन में लगाए जाते हैं उन सब मैटर्स को हम क्या कहते हैं, कि वो मैटर है हमारे डायरेक्टली और सब्सटेंशियली इन इशू। और इंसिडेंटली इन इशू क्या कहते हैं, जो मैटर आपके डायरेक्टली इन इशू नहीं है, लेकिन वो डायरेक्टली इन इशू के साथ कुछ और छोटे मोटे मैटर अगर हम ऐड कर देते हैं, तो उन्हें हम मैटर कोलैटरली कहते हैं। तो रेस जुडिकाटा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू होनी चाहिए, ना कि कोलैटरली और इंसिडेंटली इन इशू। तो मैं आपको दोनों के एग्जाम्पल दे देती हूँ तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए, मैटर जो डायरेक्टली इन इशू है वो कौन से मैटर होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को किसके लिए स्यू किया, उसने रेंट लेने के लिए जो है स्यू किया। अब बी कहता है कि मैं तो जो हूँ ये वाला रेंट जो है
नहीं दे रहा हूँ क्योंकि मेरा कोई रेंट बनता ही नहीं है। तो अब उसने किस चीज़ के लिए उन पे एलिगेशन लगाया कि ये मेरा रेंट नहीं दे रहा है। अब बी ने क्या डिफेंस लिया कि मेरा रेंट बनता ही नहीं है, तो उसने डिनाई कर दिया। तो ये कहलाएगा आपका मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशली इन इशू। दूसरा एग्जाम्पल हो सकता है, ए ने बी को कहा कि आपने जो है मेरी लैंड को जो है ओनर, मैं इसका ओनर हूँ जबकि पोजेशन में आपकी है, तो आपको इसे मेरी लैंड को लौटाना चाहिए। अब बी कहता है नहीं, मेरा पोजेशन भी ठीक है क्योंकि आप इसके ओनर नहीं हो, मैं इसका ओनर हूँ। तो ए ने क्या एलिगेशन किया कि आपने मेरी लैंड को पोजेशन में ले रखा है, लेकिन बी उसे डिनाई कर देता है कि ये लैंड मेरी ही है इसीलिए मेरे पोजेशन में। तो ये वाले मैटर क्या कहलाएंगे आपके, डायरेक्टली इन इशू। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं मैटर इंसिडेंटली इन इशू। फॉर एग्जाम्पल, एक बार एक लेडी ने अपने हस्बैंड के ब्रदर पे एक पार्टीशन का केस डाला कि मेरे को प्रॉपर्टी में से 1/5 शेयर मिलना चाहिए, और उसने कहा पार्टीशन के बाद मेरी बेटी के मैरिज के एक्सपेंडिचर के लिए भी कुछ पैसा मुझे मिलना चाहिए। अब इस केस में पार्टीशन को डिसमिस कर दिया गया और उसे कोई भी शेयर नहीं मिला। अब उसकी बेटी ने एक दोबारे से केस डाला अपने ब्रदर, अपने जो फादर थे उनके ब्रदर की अगेंस्ट कि प्रॉपर्टी में से मेरे को जो है थोड़े से मैरिज के एक्सपेंडिचर मिलने चाहिए। तो माना गया कि ये जो आपका था मैरिज के एक्सपेंडिचर लेना, ये मैटर्स कौन से थे, इंसिडेंटली इन इश्यू के थे। तो क्योंकि मेन जो मुद्दा था वो पार्टीशन का था, वो ऑलरेडी डिसमिस हो चुका था, उसी के साथ जो मैटर इंसिडेंटली इन इश्यू थे वो भी डिसमिस हो चुके थे। तो ये जो मैरिज एक्सपेंडिचर के लिए उसने केस डाला है, ये आपका क्या है, मैटर इंसिडेंटली इन इश्यू है। क्लियर हो गया आपको? अब ये जो मैटर्स डायरेक्टली इन इश्यू होते हैं, ये भी दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं एक्चुअली इन इश्यू और दूसरे होते हैं कंस्ट्रक्टिवली इन इश्यू। मैटर कोई सा भी हो, चाहे एक्चुअली इन इश्यू हो या कंस्ट्रक्टिवली इन इश्यू हो, हम दोनों ही मैटर को मानते हैं कि मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशली इन इश्यू होंगे। तो एक्चुअली इन इश्यू का क्या एग्जाम्पल होता है, तो एक्चुअल इन इशू का एग्जाम्पल होगा कि फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को कहा कि आप मुझे ये वाली लैंड मेरी है, मैं इसका ओनर हूँ, इसलिए आप इसका पोजीशन मुझे दे दो, और आप इस लैंड से जो रेंट ले रहे हो वो भी सारा का सारा आप मुझे दे दो जो आपका मेन प्रॉफिट है। तो उसने दो चीज़ों के लिए डाला, एक तो लैंड के पोजीशन के लिए क्योंकि ए कह रहा है मैं ओनर हूँ, और उसके साथ साथ जो आप रेंट ले रहे हो वो भी आप जो है मेरे को दे दो क्योंकि मैं ही इसका जो है ओनर हूँ। तो अब ये आपका क्या कहलाएगा, एक्चुअली इन इशू। तो ये जो एक्चुअली इन इशू है ये आपके मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशली इन इशू ही कहलाएंगे क्योंकि जो एक्चुअली में हमने रेज किया। अब कंस्ट्रक्टिवली इन इशू इसका बिल्कुल अपोजिट हो जाता है कि हमने एक्चुअली में इसको इशू नहीं किया, लेकिन हमें फॉर्मल सूट में ये हमें इशू में लाना चाहिए था, मतलब हमें इशू में रेस करना चाहिए था फॉर्मल सूट में, लेकिन हमने उनको नहीं उठाया उन मैटर्स को, तो इन्हें बोलेंगे कंस्ट्रक्टिवली इन इशू। तो ऐसे मैटर भी आपके मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशली इन इशू ही कहलाते हैं, और इन मामलों में आपका रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल एप्लीकेबल होता है। तो मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि कंस्ट्रक्टिवली इन इशू कैसे होता है। देखिए, सबसे पहले क्या हुआ कि ए ने बी के ऊपर एक केस डाला कि मैं आपका लीगली जो है उत्तराधिकारी हूँ, इसलिए मुझे आपकी प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए, लेकिन ये केस डिसमिस हो गया क्योंकि वो जो है अपने को प्रूव नहीं कर पाया कि वो जो है उनका लीगली उत्तराधिकारी है। लेकिन ए ने हार नहीं मानी, उसने फिर दोबारा एक केस डाला कि मैं बी का एडॉप्टेड सन हूँ तो इसलिए मुझे ये प्रॉपर्टी मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे जो उसने एडॉप्टेड सन के लिए अपना दोबारे केस डाला, तो ये वाला केस माना जाएगा कि ये जो इशू है ये कंस्ट्रक्टिवली इन इशू है, क्योंकि जब उसने पहला केस डाला था कि मैं लीगल उत्तराधिकारी हूँ, तो प्रॉपर्टी के लिए जो भी उसके माइंड में ऑल्टरनेटिव कॉज थे, ऑल्टरनेटिव इशू थे, उन्हें सबको रेज करना चाहिए था। तो उसको तभी रेज करना चाहिए था कि मैं लीगल उत्तराधिकारी भी हूँ और मैं अडॉप्टेड सन भी हूँ।
तो ये माना गया कि ये जो एडॉप्टेड सन का जिसने जो इशू रेज किया वो कंस्ट्रक्टिवली इन इशू था, इसीलिए यहाँ पे रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल अप्लाई होगा और बी जो ए है वो दोबारा से परमिट नहीं होगा कि वो दोबारा से ये वाला केस चलाए। क्लियर हो गया? एक और मैं आपको एग्जांपल देती हूँ तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब ए ने बी के ऊपर केस डाला कि मेरे को ये लैंड मिलनी चाहिए क्योंकि मैं इसका जो है ओनर हूँ। अब ये केस डिसमिस हो गया क्योंकि वो अपनी ओनरशिप को प्रूव नहीं कर पाया। अब ए ने केस को डिसमिस होने के बाद दोबारे केस डाला बी के अंगेंस्ट कि मैं इसका एडवर्स ओनर हूँ, तो एडवर्स ओनरशिप की वजह से मेरे को ये लैंड मेरे पास आ जानी चाहिए। तो माना गया कि ये भी कंस्ट्रक्टिवली इन इश्यू है। जब ए ने फॉर्मल सॉर्ट में ये वाला केस डाला था बी के अंगेंस्ट कि मैं इसका ओनर हूँ, मुझे लैंड मिलनी चाहिए, तो तभी उसे ये इशू भी रेज करना चाहिए था कि मैं इसका एडवर्स ओनर भी हूँ, इसलिए मेरे को ये लैंड मिलनी चाहिए थी। तो ये ऑल्टरनेटिव जो था उसको पहले केस में उठाना चाहिए था लेकिन उसने नहीं उठाया, तो सेकंड केस में ये कंस्ट्रक्टिवली इन इशू है, इसलिए ये मैटर डायरेक्टली इन इशू में आएगा और यहाँ पे आपका ये जो प्रिंसिपल है रेस जुडिकाटा का ये अप्लाई होगा। तो आपको क्लियर हो गया? इसमें मैं आपको एक ये वाला केस भी बता देती हूँ, काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन वर्सेस सौम्या दीप बनर्जी। इसमें क्या हुआ, एक बच्चे ने अपनी कॉपी के रिवॉल्यूशन के लिए कोर्ट में जो है केस फाइल किया। तो कोर्ट ने कहा कि आप कोई भी कॉपी देखते हो उससे पहले आपको जो है कुछ डिपॉजिट जो है करना पड़ता है, तो उसने एग्जामिनी से कुछ पैसा डिपॉजिट करवा दिया। बाद में जो था उस दोबारे से उसने केस डाला कि ये जो है मेरे को कॉपी नहीं दिखा रहे, रिवॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं, और आपने तो ये डिसाइड कर दिया था कि ये जो है कॉपी जो है जब आपने मुझसे पैसे जमा करवाए इसका मतलब आप ये डिसीजन मुझे दे रहे हो कि मैं कॉपी को देखने का राइट रखता हूँ, लेकिन मुझे कॉपी नहीं देखने दी गई, तो इसलिए उसने दोबारे ये वाला केस डाल दिया कि मुझको ये कॉपी देखने को मिले। तो ये डिसाइड हुआ कि कोर्ट ने ये जो उसको बोला कि आप फीस डिपॉजिट कर दो, ये तो उसका एक प्रोसीजरल ऑर्डर था कि अगर आपको कभी कॉपी का रिवेल्यूशन कराना है तो आपको उसमें फीस जमा करानी पड़ेगी। इसका मतलब ये नहीं है कि उसने ये डिसीजन दिया है कि आपको रिवोल्यूशन का भी अधिकार है या नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे जो है रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगा। तो ये डिसाइड हुआ था आपका काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन वर्सेस सौम्या दीप बैनर्जी ने। तो आपको अब बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे कि रेस जुडिकाटा किसे कहते हैं। रेस जुडिकाटा का मेन मीनिंग हो गया कि अगर आपने एक सूट में आपके कोई जो मैटर डायरेक्टली इन इशू है वो डिसाइड हो गए, अब आपने उन्हीं इशू को दोबारे से उठाते हुए एक सब्सिक्वेंट सूट और फाइल कर दिया, तो अब यहाँ पे जो है आप उस सूट को स्टे करा सकते हो, कोर्ट उस पर डिसीजन नहीं देगा क्योंकि ऑलरेडी पहले एक कॉम्पिटेंट कोर्ट उस पर डिसाइड कर चुका है। तो जब आप सब्सिक्वेंट सूट पे स्टे ले लेते हो, आप उस पर जो है वाद को रोक देते हो, तो ये वाद को क्यों रोक रहे हो, क्योंकि उस तरह के जो मैटर्स हैं वो ऑलरेडी पहले सूट में डिसाइड हो चुके हैं, तो सब्सिक्वेंट सूट को रोकना और उस पर डिसीजन देने से रोकना, उस पर स्टे लाना, यही आपका रेस जुडिकाटा कहलाता है। तो रेस जुडिकाटा आपको क्लियर हो गया और इसके ऑब्जेक्ट क्लियर हो गए। फिर था इसके एसेंशियल, एसेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट थे, मैंने आपको एक एक उस पॉइंट में एग्जाम्पल दे के बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि इसके एसेंशियल कौन कौन से होने हैं। तो आई थिंक कि आपको ये लेक्चर बिल्कुल आराम से समझ में आ गया होगा, तो आई डू होप इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे लेक्चर, थैंक यू वेरी मच।